हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ, उस पैटर्न को हम ऑल प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, बेबीज़ के लिए और जेंट्स के लिए। इसके अलावा आप इस पैटर्न को कैप पे भी डाल सकते हैं, मफलर पे भी डाल सकते हैं, शॉल पे भी डाल सकते हैं और सॉक्स पे भी डाल सकते हैं। बनके बहुत ही सुंदर ये पैटर्न लगता है। 10 नंबर की सिलाई में हमने अपना ये पैटर्न बना लेना है और 4 के मल्टीपल में इसके लिए फंदे डालने, और +2 फंदे हम एक्स्ट्रा डालेंगे, यानी कि 4 के जोड़े के हिसाब से हम फंदे डालेंगे और 2 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे। अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो, यहाँ पे देखिए ये मैंने पहले से ही फंदे डाले हैं। यहाँ पे मैंने ये 22 फंदे डाले हैं, यानी कि 22 फंदे डाले हैं। अब देखिए पैटर्न की ये हमारी फर्स्ट रो है। अब देखिए एक्स्ट्रा फंदा हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 2 और 3, ये 3 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। यही प्रोसेस रिपीट करते हुए फ्रंट साइड से हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए बैक साइड से सेकेंड रो। अब पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा हमने उल्टा बुन लेना है, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से जो 3 फंदे हमारे उल्टे आए हैं वो बैक साइड से सीधे आएंगे। ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। फ्रंट साइड से जो फंदा सीधा आया है वो बैक साइड से उल्टा आएगा, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे। ये बैक साइड से हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। पूरे पैटर्न में हमने बैक साइड से यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे ही रहेगा। अब देखिए जो हमारा ये सीधा फंदा आता है तो देखिए जो सिलाई पे फंदा बना है इसके ऐसे नीचे चेन में आना है, और देखिए सेकंड नंबर पे, ये देखिए सेकंड नंबर पे जो होल है इस पे हमने ऐसे सिलाई डालनी है और इस फंदे को सीधा बुन लेना है, और देखिए ऐसे इसको स्लिप कर देंगे। फिर देखिए ये धागा अपनी साइड को करेंगे, और देखिए ये 3 फंदे हमने ऐसे बिना बुने उतार लेने, जो हमारे 3 फंदे उल्टे हैं इनको हमने बिना बुने उतार लेने हैं। फिर देखिए ऐसे धागा, ये देखिए धागा पीछे ले जाएंगे, और देखिए फिर सीधा फंदा आता है तो सीधे फंदे पे देखिए जो सिलाई पे फंदा बना हुआ है इसको नहीं बुनना है, इसके नीचे वाले ऐसे चेन में आके नीचे वाले फंदे पे ऐसे सिलाई डालेंगे और देखिए इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए धागा अपनी साइड को करेंगे, और देखिए 3 फंदे बिना बुने
उतार लेंगे ये ऐसे। फिर देखिए ऐसे धागा पीछे करेंगे और देखिए सीधे फंदे को ऐसे चेन में आके सेकंड नंबर के ऐसे चेन में सेकंड नंबर के फंदे पे सिलाई डाल के सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी साइड, ये तीन फंदे बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा पीछे, फिर सीधे फंदे की चेन में ऐसे सेकंड नंबर के फंदे पे सिलाई डालनी है और देखिए ऐसे इस फंदे को सीधे बुनी। यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने अब फ्रंट साइड से अपनी थर्ड रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो, फोर्थ रो में जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो, अब फिफ्थ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा देखिए हमने सीधा बुनना है, तो देखिए जो सिलाई पे फंदा बना है उसको ना बुन के ऐसे नीचे चेन में आना है और सेकंड नंबर के फंदे के अंदर से ऐसे सिलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीन फंदे बिना बुने उतार लेंगे। फिर देखिए धागा ऐसे पीछे कर लेना है और देखिए सीधा फंदा सीधा बुनेंगे तो ऐसे चेन में आएंगे और सेकंड नंबर फंदे के अंदर ऐसे सिलाई डाल के इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा पीछे और देखिए सीधे फंदे को फिर सीधा बुनेंगे तो ऐसे चेन में आके सेकंड नंबर के फंदे को सीधा बुनना है। यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने फ्रंट साइड से फिफ्थ रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए बैक साइड से सिक्स्थ रो, अब सिक्स्थ रो में ये पहला फंदा उतार लेना है, दूसरा फंदा उल्टा बुनना है, फिर देखिए तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, तीन फंदे सीधे। यही प्रोसेस रिपीट करते हुए बैक साइड से सिक्स रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से सेवंथ रो, अब सेवंथ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, अब देखिए दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे तो ऐसे चेन में आके सेकंड नंबर के फंदे के अंदर ऐसे सिलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे बिना बुने उतार लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए सीधे फंदे को बुनेंगे तो ऐसे चेन में आएंगे और सेकंड नंबर फंदे के अंदर सिलाई डाल के इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा पीछे, सीधे फंदे की चेन में आके देखिए सेकंड नंबर के फंदे के अंदर हमने सिलाई डाली और इस फंदे को सीधा बुना। फिर देखिए तीन फंदे बिना बुने उतारे, धागा पीछे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने फ्रंट साइड से सेवंथ रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए बैक साइड से एट्थ रो, अब एट्थ रो में जो फंदे उल्टे हैं उल्टे बुनेंगे, जो सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे। इस तरह बैक साइड से एट्थ रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से नाइन्थ रो, अब नाइन्थ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेना है, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, देखिए जो सीधा फंदा है इसको हमने उल्टा बुन लेना है। अब देखिए तीन उल्टे फंदे हैं हमारे, जो इनमें से देखिए पहला वाला फंदा इसको भी हम बुन के उतारेंगे और उल्टा बुन के उतारेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर का जो तीन फंदों में से सेकंड नंबर का जो उल्टा फंदा है उसके साथ देखिए जो ये हमारे ये देखिए ये धागे छूटे हुए हैं, जो ये इन पे ऐसे नीचे से सिलाई डालेंगे इन तीनों पे देखिए ऐसे, और ये सेकंड नंबर के फंदे के साथ हमने इसको बुन लेना है, ये जो तीन धागे हमारे इन तीन धागों को बुन लेना है।
ये ऐसे, इसको हमने सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। और देखिए लास्ट वाला, तीन फंदों में से जो लास्ट वाला उल्टा फंदा है, इसको भी हमने उल्टा बुनना है। फिर देखिए नेक्स्ट सीधा फंदा आएगा, इसको भी उल्टा बुनना है। फिर देखिए हमारे ये तीन उल्टे फंदे आ जाते हैं, इनमें से पहला वाला फंदा, इसको भी उल्टा बुनना है। तो देखिए ये हमारे तीन उल्टे फंदे आ गए। फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए ऐसे में, ये देखिए नीचे से सिलाई डालेंगे और जो ये धागे छूटे हमारे तीन धागे, ये देखिए इनको ऐसे सिलाई में उठाएंगे राइट निडिल में। और देखिए सेकंड नंबर के उल्टे फंदे के साथ हमने बुन लेना है इनको, ये ऐसे, ये देखिए ये हमने सीधे बुन दिए। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट ये सीधा वाला फंदा भी, इसको भी उल्टा बुनना है। फिर हमारे ये तीन फंदे आ जाते हैं, इनमें से देखिए पहला फंदा उल्टा ही बुन लेंगे। तीन उल्टे फंदे बुन दिए हमने। फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए यहाँ पे जो हमने ये धागा छोड़ा है तीन बार, इसको ऐसे राइट निडिल से उठा लेंगे। और देखिए सेकंड नंबर के उल्टे फंदे के साथ ये देखिए जो धागा छोड़ा है, इनको बुन लेंगे ऐसे में, ये ऐसे बुन दिया और सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर धागा पीछे, फिर देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये देखिए जो हमने ये धागा छोड़ा हुआ है तीन बार, इसको ऐसे राइट निडिल में उठाएंगे और सेकंड नंबर के फंदे के साथ ये जो छोड़ा हुआ धागा है, इसको भी बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने फ्रंट साइड से नाइन्थ रो कंप्लीट कर लेनी है। ये फ्रंट साइड से हमारी नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से टेंथ रो। अब टेंथ रो में देखिए जो फंदे सीधे हैं सीधे बुनेंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे। इस तरह हमने बैक साइड से अपनी टेंथ रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए फ्रंट साइड से 11th रो। अब 11th रो में हमारा पैटर्न रिपीट भी होगा और साथ में शिफ्ट भी होगा। तो देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए यहाँ पे हमारे दो ही फंदे उल्टे हैं, तो हमने दो ही फंदे उल्टे बिना बुने उतार लेने हैं। फिर देखिए धागा पीछे करेंगे और देखिए जो ये सीधा फंदा है, ये देखिए ऐसे चेन में आके और देखिए सेकंड नंबर के फंदे के अंदर ऐसे सिलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और तीन फंदे बिना बुने उतार लेंगे। फिर देखिए धागा ऐसे पीछे कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये सीधा फंदा आता है, तो देखिए ऐसे हमने चेन में नीचे आना है और इस सेकंड फंदे के अंदर हमने ऐसे सिलाई डालनी है और इस फंदे को सीधा बुन लेना। फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे बिना बुने उतारेंगे। फिर धागा पीछे, फिर देखिए नेक्स्ट सीधे फंदे पे, ये देखिए ये सिलाई में जो फंदा है इसको न बुन के ऐसे नीचे चेन में आके और सेकंड नंबर के फंदे के अंदर ये सिलाई डाल के इस फंदे को सीधा बुनेंगे। यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने फ्रंट साइड से 11th रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए बैक साइड से 12th रो। अब 12th रो में जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे। इस तरह बैक साइड से 12th रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 13th रो। अब हमने अपने पैटर्न को ऐसे ही रिपीट और शिफ्ट करते जाना है और देखिए कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न बन के आने लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।